हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 18। तो पहले से अच्छे से लेबल कर लेंगे, क्लास, अपना नाम, सब्जेक्ट, अपने टीचर का नाम, डेट आप लोग लिख लेंगे। इस वर्कशीट में मैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ सारे क्वेश्चन आंसर कराऊंगी। यदि आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए हमारी दूसरी वर्कशीट को देख सकते हैं, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन आंसर है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम भिन्न को जोड़ना पड़ेंगे, समान हर वालों को, जो समान हर के भिन्न होते हैं आज उन्हें हम पढ़ेंगे कि उन्हें हम कैसे जोड़ सकते हैं। तो देखिए किस तरह से यहाँ आपको 9 बॉक्स में से 2 चॉकलेट दी गई, इसी तरह से यहाँ 9 बॉक्स में से 4 दिए गए। अब आपको इसे जोड़ना है। सिंपल करते हैं, हम क्या करते हैं कि जब समान हर होता है तो हर को हम कॉमन मान लेते हैं, यानी उसको समान मान के एक बार ही उतारते हैं, और ऊपर के जो आपके होते हैं अंश उसको हम जोड़ लेते हैं। तो देखिए इस तरह से अब हमने क्या करा, 4 और 2 6 हो जाएगा और 9 नीचे बटेगा रहेगा। अब क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो इस तरह से आपका आंसर 2/3 आ जाएगा। आपके समझ में आ गया, मैं उम्मीद करती हूँ आसानी से समझ में आ गया होगा। इसी तरह से देखिए यहाँ आपको दिया गया है कि ये आपका लिखा है 9 हर है, इसका हर क्या है 9, ठीक है। ऊपर अंश जो है वो अलग है तो अंश को हम प्लस कर लेंगे, तो ये आपका 6/9 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। इसके अलावा अब हम क्या करते हैं, इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से 3 दूनी 6 3 3 9, तो इस तरह से आपका देखिए आंसर आ गया ना, डिवाइड करा हमने किससे, 3 से, तो इसका भी आंसर क्या आया, 2/3। तो आप इसे आसानी से कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक। अब यहाँ देखिए लिखा है समान हर वाले भिन्न को जोड़ना। कैसे जोड़ते हैं, समान हर वाले भिन्न को जोड़ने के लिए हमें अंश को जोड़ते हैं, ठीक है, और उनका योग अभिनिष्ट हर के ऊपर लिख देते हैं। जिस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ आपका हर क्या है 7, तो 7 का 7 रहेगा और ऊपर जो अंश है उसको हमने जोड़ दिया। सेम इसी तरह से यहाँ आप देखें, हर आपका समान रहेगा जबकि आपने अंश को जोड़ दिया। आ रही ना समझे, बहुत आसान है। आप देखिए यहाँ 11 है दोनों में, तो 11 का 11 रहेगा, 5 और 9 कर देंगे, है ना। इसी तरह से देखिए 13 का 13 रहेगा, 5 3 8 कर देंगे, है ना, आसान, कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। अब यहाँ आपका लिखा है असमान हर वाले भिन्न को जोड़ना। असमान भिन्न जो होते हैं उनको जोड़ना बहुत आसान काम होता है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। आप जैसे ही ध्यान देंगे आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि अब हम इसको ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो देखिए असमान हर का मतलब क्या होता है कि नीचे दोनों वैल्यू अलग अलग होंगी, है ना। तो इसको जोड़ने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, अब जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर 1/2 + 1/3 है, यही है। तो हम क्या करेंगे, इस 3 से एक बार इसको, एक बार इसको, और इस 2 से एक बार इसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब इस 3 से हम इसको करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 हो जाएगा प्लस, और जब इसको करेंगे 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। आ गया आंसर। तो अब आप देखेंगे हर दोनों में बराबर आ गए, अब पहले की तरह अंश को हम जोड़ लेंगे, 3 × 2 = 5 हो जाएगा आपका। इसका आंसर क्या आ गया, 5/6। तो देखिए अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से आपका 5/6 आंसर आ गया, है ना। इसी तरह से यहाँ आपको दिया गया, आप देखिए ये आपका 1/2 है, 1/2 + 2/3, यही है। अब इसको क्या करना है, इस 3 से एक बार इसको करना है, तो ये क्या हो जाएगा 3 × 3, ये क्या हो जाएगा 3 × 2 = 6, ठीक, प्लस अब आप इस 2 से करेंगे तो 2 × 2 = 4, इसको करेंगे 2 × 3 = 6, तो अब ये क्या हो जाएगा 4 × 3, तो 4 × 3 हो जाएगा 7/6। आ गया आपका आंसर, देखिए 7/6 आंसर आया। तो ये देखिए ये आपका 7/6 लिखा है, क्यों, क्योंकि हर जब सेम होता है तो हम हर को बदलते नहीं है, ठीक। अब इसको जो आप कहते हैं कि मैम ये मिक्स फ्रैक्शन में कैसे किया गया, तो ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि जो नीचे नंबर लिखा जाता है उसको बाहर लिखते हैं और जो ऊपर लिखा जाता है उसको अंदर लिखते हैं, 6 × 1 = 6, 1 बचा, ठीक है। अब जो नीचे का था वो तो आपका नीचे ही रहता है, ये जो साइड का होता है ये इस साइड में आ जाता है, और जो यहाँ रिमाइंडर बचता है, शेष जो बचता है वो आपका ऊपर आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं, यहाँ देखिए आपको क्या लिखा है, असमान हर वाले भिन्न को जोड़ने का तरीका। तो अब यहाँ आपको वही तरीका सिखाया गया जो भी मैं आपको ऊपर समझा के आई हूँ। असमान हर वाले भिन्नों को जोड़ने के लिए हमें उन्हें समान हर वाले भिन्न में बदलना होता है। पहले हम उसे समान बदलेंगे और उसके बाद फिर हम अंशों को जोड़ेंगे या उनका जो योग है वो करेंगे। जैसे कि हम यहाँ आप देख सकते हैं ये 1/3 है, तो इसको देखिए 5 से मल्टीप्लाई करा, ठीक है, और ये 1/5 है तो देखिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करा, जैसे अभी मैंने आपको बताया था, इससे 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 करा,
तो आप देखिए एक बटे में पांच को कर दिया तीन से, और इस तरह से इसको इससे करा दो, देखिए या दोनों तरफ पांच से कर दिया। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो पांच एकम पांच, पांच तीन पंद्रह, ठीक है, तीन एकम तीन और तीन पंजे पंद्रह, ठीक। अब पंद्रह आपका कॉमन रहेगा और ऊपर क्या बचा आपका पांच और तीन, इसको आप जोड़ देंगे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आप इसे भी कर सकते हैं, ठीक। चलिए तो अब हम आगे देखते हैं, तो अब यहाँ देखिए अब आपके शुरू होते हैं क्वेश्चन आंसर। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब यहाँ लिखा है आओ करें, पहला प्रश्न लिखा है समान हर वाले भिन्न का जोड़ ज्ञात कीजिए। तो अब आपका इसका और इसका जोड़ ज्ञात करना है, तो चलिए काम करते हैं, दोनों का हम एक ही वर्कशीट में आंसर शीट में देखेंगे। अब आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, टू अपॉन में नाइन और फाइव अपॉन में नाइन, ऐसे यही है, ठीक। अब क्या होता है, आपको मैंने बताया कि डिनोमिनेटर यानी कि हर अगर सेम हो तो आप उसे सेम रहने देंगे और ऊपर वाले नंबर को जोड़ देंगे, तो इस तरह से ये आपका आंसर आ जाएगा, है आसान। इसके बाद देखिए यहाँ आपको दूसरे नंबर पे सत्रह सत्रह है दोनों का, हर यानी डिनोमिनेटर दोनों का सत्रह है, आप लिख लेंगे सत्रह को कॉमन और तीन और चौदह को जोड़ के लिखेंगे तो ये भी सत्रह आ जाएगा। तो अभी से आप काट लेंगे सत्रह एकम सत्रह, सत्रह एकम सत्रह, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, एक। तो इस तरह से आप आसानी से इसे कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका यह दूसरा क्वेश्चन लिखा है असमान हर वाले भिन्न को इनका जोड़ ज्ञात करना है अब आपको, तो देखिए ये दोनों को भी हम एक साथ करेंगे, फटाफट आंसर शीट में इसका आंसर देख के वीडियो को फिनिश करते हैं। अब आप देखिए इसमें आपका क्या है, दोनों में हर जो है वो अलग है, डिनोमिनेटर जो है वो चेंज है ना, यहाँ सात है यहाँ छः है। अब आपको मैंने कैसे बताया था, पहले इसे कॉमन करना होता है नीचे वाले को, तो देखिए जब हम इसको लिखेंगे तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखिए छः छः से कर दिया, और फिर जब हम इसको लिखेंगे इस वाले नंबर को ये देखिए तो इधर वाले सात से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ। अब जब आपको छः छः से करेंगे तो छत्तीस आ जाएगा और सात छः बयालीस, ऐसे सेवन वन ज़ा सेवन और सेवन सिक्स सेवन ज़ा फोर्टी टू, ठीक। अब देखिए दोनों का नीचे फोर्टी टू कॉमन आ गया, आपने यहाँ कॉमन लिख लिया फोर्टी टू। अब थर्टी सिक्स को सेवन में आप प्लस कर देंगे तो देखिए ये आपका 43 हो जाएगा। और जब आप इसको इस तरह से डिवाइड करके लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, तो 42 वन ज़ा 42 हो जाएगा और आपका आंसर आएगा 1। तो जो नीचे का नंबर होता है वो नीचे ही लिखा जाता है और जो ये ऊपर आता है ये इस साइड लिखा जाता है, और जो यहाँ रिमाइंडर बचता है शेष जो बचता है वो आपका ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब आपका इसी में जो दूसरा क्वेश्चन था वो देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ नीचे दोनों के हर या डिनोमिनेटर चेंज है ना, यहाँ पाँच है यहाँ चार है। फिर पहले की तरह आप करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पे और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, और जब इसको लिखेंगे आप यहाँ पे तो इस नंबर से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फोर फोर ज़ा सिक्सटीन और फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी आ जाएगा। इसी तरह से फाइव फाइव ज़ा ट्वेंटी फाइव और फोर फाइव ज़ा ट्वेंटी हो जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं दोनों का हर या डिनोमिनेटर सेम होके 20 आ गया, ठीक है। अब आप 16 और 25 को जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर 41 आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, इसको ऐसे ही डिवाइड करेंगे यानी कि भाग करेंगे तो आपका कैसे होगा आंसर, 20 दुनी 40, अब एक बचा है ना। अब आपको पता है जो नीचे होता है वो नीचे ही रहता है, जो ऊपर यहाँ आता है वो इस जगह पे हो जाता है, और जो यहाँ शेष बचता है रिमाइंडर बचता है वो ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2 1/20। तो इस तरह से आप इसे कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को यही खत्म करते हैं, आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।